हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी मेन डेटा टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल सिंपल स्टेप में आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डेटा टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो अच्छे से जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन आता है गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था सिस्टम सेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपनी डेट एंड टाइम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर गाइस आप अपने फ़ोन में अपने 24 घंटे वाला फॉर्मेट टाइम चेंज करना चाहते हैं, तो 24 और 4 मिनट, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो आपका जो है जैसे कि आपके फ़ोन में 12 के बाद 1 बजते हैं, तो आपका 1 नहीं 12 के बाद 13 बजेंगे। अगर आप ये वाला टाइमिंग करना चाहते हैं, सिर्फ 12 घंटे वाला करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर आपको सेट टाइम ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिला था, तो आप जब इस ऑप्शन को ऑफ कर ऑन कर देंगे, तो आपका जो डेट एंड टाइम वो ऑटोमेटिक चलेगा नेटवर्क के हिसाब से। अगर आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर देना। यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन पर क्लिक करना, अपनी डेट कर देना। यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिला था, तो टाइम भी सेट कर देना। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।